गुड मॉर्निंग क्लास ए था के सी। आज स्वागत है आपका एक्सालिनी आर एम। सॉरी नेम कंफ्यूजन। क्या है आपका? शिवराज, अनुष्का, आयुष वर्मा, गायत्री देवी, अनुभव और मिसिंग एनिमल, मिसिंग उज्ज्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्यूब रूट निकालो किसका? इसका है 4, 6, 6, 5, 6। तो क्या करेंगे हम? पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लें। 2, 2 या 4, 3 या 6, 3 या 6, 2, 2 या 4, 2, 8 या 16। फिर 2 से 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, 2, 6 जाए 12, 2, 6 जाए 12, 2, 4। फिर 2 से 2 बन जाए 2, 5 जाए 10, 2, 8 जाए 16, 2, 3 जाए 6, 2, 2 जाए 4। फिर 2 से 2, 2 जाए 4, 2, 9 जाए 3, 2 1 जाए 2, 2 6 जाए 12, 2 1 जाए 2, 2 2 2 4 जाए 8, कितना? 2 4 जाए 8, 2 5 जाए 10, 2 8 जाए 16, 2 7 जाए 3, 2 2 जाए 4, 2 9 जाए 3, 2 3 जाए 6, 2 6 जाए 12, 2 अब नहीं कटेगा 729, 2 से नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए फैक्टर सारे एक थ्री से कट करेंगे। कटेगा हाँ कट जाएगा। 3 2 जाए 6, ड्यूअलिटी फैक्टर को चेक करना आपको सिखाना उससे। 3 2 जाए 6, 3 4 जाए 12, 3 3 जाए 9, 3 8 जाए 24, 3 1 जाए 3, 3 2 जाए 6, 3 9 जाए, 3 7 जाए 21, 3 9 जाए 27, 3 3 जाए 9, 3 1 जाए 3। क्या होगा? 1 2, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 हो गया। × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो गया। अब फैक्टर निकालेंगे। 3 के पेयर्स एक बार बाहर आए, कितने पेयर हुए? 3 × 3 × 2 × 2 करिए 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 4 कितना हो गया? 36। क्यूब रूट ऑफ 4, 6, 6, 5, 6 का क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। क्या किया आपने? पहले फैक्टर्स निकाल लिए, फिर आपने देखा क्या पेयर्स में से बाहर कितने जाएंगे? सिर्फ 3 3 के पेयर ही क्यूब रूट के बाहर जाएंगे, तो 3 3 के पेयर बना लिए। तो पेयर बन गए, तो एक एक नंबर को 3 3 पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, एक नंबर बाहर आएगा, तो पैर किया तो क्या बन गया? 36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Evaluate क्यूब रूट 3
माइनस 512 बाय 343। अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे कि दिया हुआ है माइनस 512 दिया है अपॉन 343। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे टू और 512 को फैक्टर निकालेंगे, तो हो जाएगा टू टू जा फोर जीरो, टू सिक्स जा ट्वेल्व, नहीं टू टू या फोर टू फाइव या टेन टू सिक्स या ट्वेल्व, फिर टू वन या टू 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 या फोर टू एट या सिक्सटीन, फिर टू सिक्स या ट्वेल्व टू फोर या एट, टू थ्री या सिक्स टू टू या फोर, टू वन या टू टू सिक्स या ट्वेल्व, टू एट या सिक्सटीन, टू टू या फोर टू फोर या एट, टू टू या फोर, टू वन या टू, तो एट दो तीन पेयर बन गए, मतलब टू इंटू टू इंटू टू, टू टू या फोर टू जब एट आ गए, एट का क्यूब क्या हो गया 512, एट एट जा 64, 64 एट जा 512। चलिए अब 343 को देखो, 343 ये डिवाइड किससे होगा, 7 से होगा, डिवाइड करिए 7 4 ये 28, 7 9 63, 7 7 या 49, 7 1 या 7, क्या हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, एक पेयर बन जाएगा क्या उसका अगर 7। ये हमारा लिखा क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ माइनस ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है 8 बाई 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जब ब्रैकेट बाहर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एट अपॉन सेवन, अभी डिवाइड हो जाए ना दस मच आंसर, इतना आंसर है हमारा, ठीक है नोट कर लीजिए। आखिरी देखते हैं क्वेश्चन, फिर आप क्वेश्चन करिएगा, आखिरी एक्सरसाइज 4B, नहीं 4 क्या है B, लास्ट एक्सरसाइज, ये देखते हैं। कह रहा है मेटेलिक क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है मेटल का बना हुआ, क्या है उसका वॉल्यूम क्या है, सॉरी लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर, 9 यूनिट समझ लीजिए, क्योंकि दिया है ब्रेथ दिया है 6 यूनिट और हाइट दिया है 4 यूनिट। कह रहा है इसका वॉल्यूम और एक क्यूब बना उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, हमें पता क्या करना है, हमें पता ये करना है कि उस क्यूब का साइड क्या होगा, एक ए क्या होगा, ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, एल इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो 6 इंटू 9 इंटू 4 हो जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54 इंटू 4 कितना हो गया 216 हो गया। अच्छा और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, ए इंटू ए 216, तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 216, तो ए इक्वल टू क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 216 हो गया। एक वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट निकालिए, पहले फैक्टर निकालिए 216, 2 वन 2 0, 2 8 16, 2 5 10,
क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, करिए क्वेश्चन। उज्जवल, गायत्री, अनुभव, अनुष्का, आयुष वर्मा और युवराज सभी लोग क्वेश्चन करिएगा जहाँ पे डाउट पूछेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।